Welcome to my YouTube channel. So friends, today I am presenting my solar project. So दोस्तों, ये सब सोलर पैनल मैंने घर में लगाई है और ये सब 390 वॉट की सोलर पैनल है। तो ये सारी पैनल इकट्ठा होके हमारे घर की सारी बिजली ये जनरेट होती है। तो ये प्रोजेक्ट मैंने 2 महीने के पहले ही कंप्लीट किया था। फ्रेंड्स, अब ये सोलर पैनल की जो बात करें तो सबसे पहले ये छोटी वाली जो पैनल है वो 20 वॉट की है। तो ये छोटी पैनल है, ये मैंने सबसे पहले बाय की थी और ये सारी पैनल मैंने एक साथ नहीं बाय की थी, थोड़े समय में थोड़े थोड़े करके बाय की थी। तो मैं सारी पैनल की आपको जानकारी देता हूँ। तो ये छोटी वाली जो पैनल है, ये वाली, ये फ्रेंड्स, ये 20 वॉट की है। और ये पैनल की जो बात करें, ये पैनल जो बड़ी है तो ये 120 वॉट की है। और ये पैनल मैंने लोकल मार्केट से बाय की थी और एक एक का मैं पूरा वीडियो बनाऊंगा, पर आप अभी देखते रहिए। और फ्रेंड्स, ये जो पैनल है, ये बड़ी वाली, ये 100 वॉट की पैनल है और ये पैनल ज़्यादा एक्सपेंसिव है, इसलिए मैंने इंडस्ट्री बाइंग इंटरनेशनल वेबसाइट से बाय की थी। और ये सबसे बड़ी वाली पैनल, ये भी इंटरनेशनल वेबसाइट से ही परचेस की थी। ये पैनल मुझे घर पे आते आते तकरीबन 20 से 30 डेज में मिल गई थी पैनल। तो आप देखते रहिए आगे। नमस्ते फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे इस पैनल की जो आप देख रहे हैं। सारी पैनल ये हमारी घर की छत के ऊपर बेसिकली लगी हुई है, हमने इंस्टॉल की है, मैंने खुद ने इंस्टॉल की है। आफ्टर कंप्लीटिंग माय इंजीनियरिंग मैंने ये सब इंस्टॉल की थी और आधी तो इंजीनियरिंग की जो इंजीनियरिंग चल रहा था तभी मैंने इंस्टॉल की थी ये सारी पैनल। और अभी मेरा टोटली बिजली का लोड इस पैनल के ऊपर ही चल रहा है। तो मैं बात करूँ कि ये सारी पैनल, अभी तो आप देख सकते हैं थोड़ी जो पैनल के ऊपर धूप मिट्टी और ये डस्ट लगी हुई है, पर फ्रेंड्स, जब हम रेगुलर इसको साफ़ सुथरा रखेंगे तो इसके आउटपुट में भी आपको इम्प्रूवमेंट दिखने लगेगी। तो आप ज़रूर ये पैनल लगाए तो साफ सुफ हर रोज़ साफ सुफ करें और धूप मिट्टी जो डस्ट है वो मत लगने दें, जिससे आपकी जो आउटपुट है पावर में इम्प्रूवमेंट आएगा। तो अब देखो दोस्तों, ये सारी पैनल आप देख सकते हैं एक लाइन में जो लगी हुई है, तो कि मैंने इसको पैरेलल में कनेक्ट किया है, मतलब कि 12 वोल्ट की सीरीज बनाई और एक साथ 12 वोल्ट में कनेक्ट किया है। और दोस्तों, अब मैं इसकी कॉस्ट और कटिंग की सब की बात करूँ, वायर की और सब मेंटेनेंस की, तो आप देख सकते हो कि इसमें मेंटेनेंस तो नहीं होता, पर जो कॉस्ट इसकी पैनल की जो वायर लंबा लगता है, एक तो फर्स्ट हमें इसका वायर का कॉस्ट भी लगेगा और दूसरा हम बात करें तो जो बैटरी है, बैटरी का भी हमको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो मेंटेनेंस आपको देखो, बैटरी में जो पानी आता है वो तो आपको जो समय के बाद इंस्टॉलमेंट के बाद पानी डालना पड़ता है, बैटरी का पानी। पर साथ ही साथ हम बात करें तो बैटरी में दूसरा तो कोई मेंटेनेंस आता नहीं है और सिर्फ आपको जो कॉस्ट लगेगी वो पैनल के बाद में, पैनल की तो लगेगी, पैनल के बाद में जो वायर है, इसकी जो वायर लगेगी, वायर के सिवा आपको इन्वर्टर लेना पड़ेगा। ऑफ ग्रिड करना है तो ऑब्वियसली इन्वर्टर तो चाहिए। और दूसरा मैं बात करूँ इन्वर्टर के सिवा, तो आपको लेना पड़ेगा एक चार्ज कंट्रोलर। तो चार्ज कंट्रोलर के ऊपर मैंने एक अनबॉक्सिंग वीडियो डाली थी, आपको नहीं देखी तो आप देख सकते हैं मेरी चैनल में विजिट करके। सबसे बेस्ट चार्ज कंट्रोलर है और हेवी टाइप का है, चीपेस्ट भी है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं कैसा था चार्ज कंट्रोलर, इसकी पूरी अनबॉक्सिंग। और देखो दोस्तों, आगे भी मैं चार्ज कंट्रोलर की वीडियो तो लाऊँगा और आप देख सकते हो कि कैसे है, क्योंकि और भी मुझे पैनल का इंस्टॉलमेंट के और कुछ होगा तो मैं इसकी वीडियो लाता रहूँगा। अब नीचे भी जाकर भी हम देखेंगे कि अब मैंने जो प्लांट इंस्टॉल किया था उसमें वो जो यूट्यूब में दिखाते हैं जो इंस्टॉलमेंट, उससे मैंने डिफरेंट किया है।
क्योंकि मैं खुद इंजीनियर हूँ, तो मैंने ही डिज़ाइन किया था वो सारे इंस्टॉलमेंट। और घर की जो वायरिंग थी, जो फेरफार करना होता है वायरिंग का, वो भी मैंने खुद ही किया था। तो दोस्तों, वो जो मैं आपको दिखाऊंगा, वो आप भावपूर्वक सुने और इम्प्लीमेंट करें, जिससे आप भी इंस्टॉलमेंट कर सकें। तो मैं आगे दिखाता रहूँगा आपको दिस वीडियो, देखते रहिए आप। फ्रेंड्स, हम अभी आ गए हैं जो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलमेंट जो किया था, वो जो पैनल की दो वायर आती है जो प्लस एंड माइनस यहाँ पे आती है, तो यहाँ सब इंस्टॉलमेंट किया हुआ है। सब ये चार्ज कंट्रोलर, ये एम्प मीटर और इन्वर्टर भी यहाँ रखा हुआ है, और बैटरी भी यहाँ पे रखी हुई है। तो अब हम बात करेंगे सोलार की, जो मैंने इंस्टॉलमेंट किया था उसकी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि इतना सारा जल्दी जल्दी में इंस्टॉलमेंट आप करेंगे तो ऐसा होगा। तो आप कृपया ठीक से इंस्टॉलमेंट करना, तो आपकी वायर भी नहीं दिखेगी। तो अभी हम बात करेंगे सब इंस्टॉलमेंट की। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा इस चार्ज कंट्रोलर की, जो कि ये रहा, ये है चार्ज कंट्रोलर जो मैंने लोकल मार्केट से परचेस किया था, मैंने आपको बताया था। तो ये है चार्ज कंट्रोलर, तो ये है चार्ज कंट्रोलर। बट दोस्तों देखो, अब लोकल मार्केट से मैंने जब परचेस किया था, ये वाला ये ख़राब हो चुका था। मुझे लगा कि अब मैं बाय करूँगा वेबसाइट से, जो कि अमेजोन से। तो मैंने फिर ये SI चार्ज कंट्रोलर दूसरी बार अमेजोन से ख़रीदा, जो कि है स्पार्क कंपनी का। तो फिर भी ये बिगड़ चुका है। तो आप ऐसा चार्ज कंट्रोलर मत बाय करना जो बिगड़ जाए। तो आप जो देसी वाला आता है वो यूज़ करना, क्योंकि वो लंबे समय तक चलता है और बिगड़ नहीं जाता। ये सब आप देखो, अभी ये चल नहीं रहा है, ये चार्ज कंट्रोलर आप देख सकते हो कि ये चल नहीं रहा है और ये बिगड़ चुका है। तो अभी तो मैंने अब डायरेक्ट करा है, यहाँ से सांधा मारकर ये डायरेक्ट किया है। अभी ये डायरेक्ट चल रहा है विदाउट चार्ज कंट्रोलर। अब मैं थोड़े दिन में इसमें दूसरा चार्ज कंट्रोलर इंस्टॉल कर दूंगा, और क्योंकि ये तो बिगड़ चुका है। और जो चार्ज कंट्रोलर के सिवाय मैंने एम्प मीटर है, वो सारे एम्पियर दिखाता है कि कितने एम्पियर से आपकी बैटरी चार्ज हो चुकी होती है। तो ये एम्पियर मैं आपको बता दूँ, 18-20 एम्पियर तक जाता है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 18 से 20 एम्पियर तक मेरा लोड रहता है। अभी तो शाम हो चुकी है, अभी तो नहीं, लोड नहीं है, आप देख सकते हो जीरो लोड दिखा रहा है, क्योंकि अभी तो शाम हो चुकी है, तकरीबन 7:15 बजे हुए, 7 बजे हो गए। और ये सब मैंने इंस्टॉलमेंट किया, उसमें एक चीज़ ये है, सब YouTube चैनल वाले आपको ये चीज़ दिखाते भी नहीं है, और मुझे लगता है उसको आता ही नहीं है, वो करते ही नहीं। ये मेन है, कोई भी आप इन्वर्टर लगाओ आपके घर में, ऑफिस में या स्कूल में, कोई भी जगह पर, तो आपको ये चीज़ इंस्टॉल करनी पड़ेगी। ये है टू वे स्विच। इसका क्या उपयोग है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। इसका उपयोग ये है कि जब देखो दोस्तों, सिंपल इन्वर्टर में जो सिस्टम होती है टू वे स्विच से, सब हमारे लोड में एक एक हाफ वायर जाती है, और हाफ वायर में जो इन्वर्टर वाली जो वायर है वो ये सिद्धांत पे काम करती है, वही मैंने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो उसका एक फ़ायदा ऐसा है दोस्तों, कि जब आपको जब बैटरी आपकी डिस्चार्ज हो जाएगी तब आपको बिजली की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि आपको अपना जो मीटर है ग्रिड वाला, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तब ग्रिड की ज़रूरत पड़ेगी, तब ये आप स्विच को ऑन करके आप ग्रिड में से पावर ले पाएंगे। और जब ये स्विच ऑन करेंगे तब आपकी कनेक्शन सोलार में जो इन्वर्टर होता है ये वाला, उसमें से हटकर ग्रिड में कनेक्ट हो जाएगी। उसका फ़ायदा यही है कि आप जब आपका लोड ज़्यादा होगा तो बैटरी का डिस्चार्ज हो जाएगी, और आपको पावर की ज़रूरत पड़े तो आपको ये ऐसा कनेक्शन में कुछ फेरफार नहीं करना पड़ेगा। और जैसे ही आप ये ऑन करेंगे तब आपकी टोटली कनेक्टेड लोड वो
कनेक्ट हो जाएगी पावर, ग्रिड पावर से, तो उसका ये फ़ायदा है। और दोस्तों दूसरा मैं बात करूँ हमारा इन्वेटर की, तो ये इन्वेटर भी मैंने industrybuying.com से बाय किया था, काफ़ी अच्छा है और चल रहा है अभी तक। और सब इन्वेटर एक जैसे ही होते, पर ये साइन वेव है, तो साइन वेव मतलब कि जो प्योर होते हैं उसमें आपका पावर लॉस नहीं होता, और जो फैन में खर्रर खर्रर जैसी आवाज़ आती है ना, ठर्रर ठर्रर, वो नहीं आती है, क्योंकि प्योर साइन वेव में ये ऐसा कंप्लीट ग्रिड जैसा कनेक्ट होता है। और बात करें कि इसमें कोई पावर लॉस नहीं होती है, तो आपको कॉन्स्टेंटली और बैटरी बैकअप आपका थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए ये इन्वेटर जो है आपको फ़ायदेमंद है। और ऐसी कंपनी की स्पॉन्सर की बात नहीं है, ये कंपनी तो ठीक है, मैंने ये कंपनी मुझे स्पॉन्सर नहीं कर रही है, पर लेकिन कोई भी इन्वेटर आप लो वो साइन वेव होना चाहिए, विदाउट साइन वेव नहीं लेना, क्योंकि वो आपको प्रॉब्लम करेगा और इन्वेटर में से आउटपुट नहीं आएगी आपको जितनी चाहिए वो। तो अब मैं आपको बैटरी दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आप देख रहे हैं वो बैटरी है इन्वेटर की, और ये बैटरी 135 एम्प की बैटरी है, एम्पियर की बैटरी है। अगर आप मैं बात करूँ ऑनलाइन मार्केट की, तो यहाँ से आप ऑनलाइन से आप परचेस करोगे तो आपको ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ेगी, और आप यहाँ से लोकल मार्केट से बाय करोगे तो ये आपको चीप प्राइस और क्वालिटी भी अच्छी मिल जाएगी। तो मैंने तो ये लोकल मार्केट से बाय की थी, जो कि यहाँ पे जो स्थित है सुरेंद्र नगर में, वहाँ से तो मुझे ये बैटरी पड़ी थी 8000 रुपये में, 135 एम्पियर की बैटरी सिर्फ 8000 रुपये में। तो सस्ती भी है, टिकाऊ भी है, क्योंकि आप पावर की मैं बात करूँ तो आज तक ऐसा नहीं बना कि जो जनरेशन हुई फिर भी आउटपुट नहीं मिली, तो ये काम तो बहुत ज़्यादा करती है, मतलब कि इक्वल है। यहाँ लोकल मार्केट से आप लो और वहाँ से लो ऑनलाइन से, दोनों सेम ही बैटरियाँ होती है, एटले मतलब कि जो कंपनी अलग होती है। देखो ये अमेजोन की नहीं, ये डायना की है बैटरी, आप देख सकते हैं डायना की, और जो ऑनलाइन आती है वो जो है वो अमेजोन की या ओची को कंपनी होती है। तो दोनों में कुछ फेर नहीं है, कुछ कंपनी का माइनर फेर होता है, उसको आप निगलेक्ट कर दो तो आपको फ़ायदा होगा। तो मैं बात करूँ कि इन्वेटर से हम क्या क्या चलाते हैं, पहला तो मैं बात करूँ इन्वेटर में हम घर का सारा लोड चलाते हैं। और मैं आप बता दूँ कि ये टीवी आप देख रहे हैं सैमसंग कंपनी का, वो भी हम इन्वेटर पे ही चलाते हैं। आपको मैं चला के दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं। अभी ये जो स्विच है वो ग्रिड के ऊपर है, यहाँ पे मतलब ऑन है, ऑन मतलब ग्रिड पे है। अब मैं जैसे ही ऑफ कर दूंगा, और ये इन्वेटर ऑफ है, आप देख सकते हैं इन्वेटर अभी ऑफ है, पावर नहीं है। जब मैं इसे ऑन करूँगा तब पावर आएगा ऐसे। तो अभी इन्वेटर ऑन किया, अब ऑफ कर देता। तो अभी देखो मैं ये टू वे स्विच का दिखा रहा हूँ, तो मैं जैसे ही ये टू वे स्विच को ऑफ कर दूंगा तो सारा हमारा लोड सोलर ऊपर आ जाएगा। तो अभी दोस्तों मैं आपको मैंने दिखाया कि इन्वेटर ऑफ किया है, मतलब इन्वेटर बंद है। तो इन्वेटर बंद है और हम स्विच को ऊपर कर देंगे, मतलब कि सारा लोड सोलर पर डाल देंगे, तो हमारी जो लाइट है वो कनेक्शन ऑफ हो जाएगा। मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं ऐसे ऑफ कर दिया, मतलब कि सोलर पे कनेक्शन कर दिया, तो हमारी सारी लाइट चली गई है, आप देख सकते हो घर की सारी लाइट चली गई है। अब जैसे ही मैं ग्रिड पे डाल देता हूँ, देख सकते हो लाइट आ गई है, मतलब ऐसा हुआ कि हमारा सारा घर का जो लोड है वो मेंस के बाद यहाँ से गुजरता है, और यहाँ से कंट्रोल भी आप कर, ऑन ऑफ करके कंट्रोल भी कर सकते हो। तो अब मैं आपको सोलर ऊपर कनेक्ट करके दिखा देता हूँ। तो सोलर पर आप हम जब पहले इन्वेटर ऑन करते हैं, ऐसे ये बैटरी पर आ गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो बैटरी का सिंबल भी आ गया, इन्वेटर ऑन हो चुका है। तो अब मैं घर का जो सारा लोड है वो सोलर पर डाल दूंगा तो लाइट नहीं जाएगी, और जरा सा झर्क आएगा कि अब इन्वेटर पे आ गया है, आप देख सकते हो जरा सा झर्क आया ठक करके, और ये सारा घर का लोड है अब चल रहा है सोलर ऊपर। तो
ये अच्छी बात है कि हम इसे कंट्रोल कर सकते हैं, ऐसा ये इम्पोर्टेंट है। और मुझे लगेगा आप कमेंट कर दें कर दोगे तो मैं इसके ऊपर भी एक टॉपिक बना दूंगा, टू वे स्विच, हाउ टू इंस्टॉल टू वे स्विच इन सोलार प्रोजेक्ट। अब मैं बात करूंगा कि ये सारा लोड सोलार ऊपर है, तो हमारा जो टीवी है यानी कि ये और ये सब ये भी सोलार पे ऊपर कनेक्टेड है। तो अभी मैं चालू करूंगा तो टीवी भी यहाँ से ऑन हो जाएगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले यहाँ मैं माइक का कुछ सेट कर देता हूँ, वन मिनट। दोस्तों अब देखो हम टीवी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, तो टीवी कनेक्ट करने से पहले हम इसको प्लग को इंस्टॉल करना होगा। जो टीवी का जो प्लग है वो यहाँ पे लगा देते हैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पर एक आप देख सकते हो कि दोनों स्विच ऊपर है यानी कि सोलार पे है, और नीचे करेंगे तो ये ग्रिड ऊपर आ जाएगी। तो अभी तो सोलार ऊपर है, इन्वर्टर भी ऑन है, आप देख सकते हैं इन्वर्टर ऑन है। और हम जैसे ही टीवी को ऑन करेंगे तो ये सोलार ऊपर काम करने चालू हो जाएगा। देखो आप टीवी जैसे मैंने स्विच चालू की है अब यहाँ से टीवी ऑन हो जाएगा, आप देख सकते हो। यह अभी सेटर बॉक्स भी ऑन हो जाएगा, फिर ये रनिंग करने लगेगा। देखो GTPL का जो सिग्नल है वो आ गया, मतलब कि ये जो टीवी है ये सोलार ऊपर रन हो गया है। और देख सकते हो कि ये चैनल भी आनी शुरू हो चुकी है। और अब हम ग्रिड ऊपर करते हैं, टीवी चालू है आप देख सकते हो। मैं जैसे ही स्विच को ग्रिड पे करूँगा तो हल्का सा जर्क आएगा और टीवी चालू हो जाएगा ग्रिड पे, देख सकते हो हल्का सा जर्क हुआ पर टीवी को कुछ फर्क नहीं पड़ा और वो आ चुका है ग्रिड पर। अभी हमारा जो फैन है वो भी ग्रिड ऊपर है, और सारा मैंने आपको बताया सारा कुछ वो ग्रिड के ऊपर चल रहा है। हम इसको सोलार पे रखेंगे क्योंकि आप मुझे आपको बताना है कि ऐसे कुछ काम करता है। तो ये सोलार ऊपर आ चुका है, अभी मैं फैन ऑन करता हूँ तो देख ले आप, ये फैन ऑन हो चुका है यहाँ से, और ये कुछ सब कुछ सोलार पे अभी चल रहा है। और मैं बात करूँ सोलार पे हम क्या क्या लोड को चलाते हैं, तो दोस्तों एक तो हम ये फैन सोलार पर चलाते हैं, ये जो फैन आप देख रहे हैं ये फैन हम सोलार पर चलाते हैं पूरा दिन। और ये जो टीवी है वो भी हम सोलार पे ही चलाते हैं। और दोस्तों हमारा जो वॉशिंग मशीन और कूलर भी हम सोलार पे ही चलाते हैं। अभी मैं टीवी को ऑफ कर देता हूँ, लाइट ऑन कर देता हूँ और टीवी को ऑफ कर देता हूँ। अभी मैं आपको बता दूँ कि हमारे सोलार पर क्या क्या चलाते हैं, तो आप नीचे आकर देख सक दिखाता हूँ क्या क्या चल रहा है अभी। तो दोस्तों अब नीचे आ गए हैं, नीचे आप देख सकते हैं कि ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन हम सोलार पे ही चलाते हैं। तो मैं आपको दिखा दूँ कि कैसे कुछ सोलार पर आराम से रन होता है, ऐसे नहीं के धक्का मारकर, पर ये आराम से ओवरलोड भी नहीं होता, आराम से ये वॉशिंग चलता है सोलार पर। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कुछ चलता है, यहाँ पे अभी प्लग को इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ कि वॉशिंग मशीन सच में चल रहा है, ऐसा नहीं कि कुछ। देखो अब मैंने स्विच ऑन कर दी है और ये वॉशिंग मशीन ऑन हो चुका है। अब मैं ऑन करता हूँ, आप देख सकते हैं देखो ये वॉशिंग मशीन ऑन है, आप देख सकते हो ये सोलार ऊपर है, ये सोलार ऊपर ऑन है। अभी वॉशिंग मशीन है ये सोलार ऊपर है, हमारे जो लोड है बिजली का बंद कर देते हैं, सब बंद कर दिया। तो दोस्तों मैं बात करूं कि काफ़ी सारे दोस्तों मेरे कॉलेज में भी वो पूछ रहे थे कि आप सोलार पे वॉशिंग मशीन कैसे आप चला सकते हो, तो मैंने बताया कि वॉशिंग मशीन नहीं, हम सारा घर जो लोड है हमारा वो सोलार पे ही ऑन करते हैं। तो वो कैसे पॉसिबल है वो आपको मैं बता देता हूँ।
जनरली जो आपका जो टेक्नीशियन है वो कहेगा कि ये सोलर पर नहीं चलेगा वॉशिंग मशीन, मैं बता देता हूँ कि वॉशिंग मशीन में सारा लोड आप चला सकते हो। अब कैसे, अब मैं आपको बात करता हूँ कि आपको देखो वॉशिंग मशीन आप 3 से 4 घंटे चलाओगे तो बैटरी पूरी तरह से कैसे लो हो जाएगी, पर लेकिन जब सोलार एनर्जी प्रेजेंट होगी यानी कि सोलार भी है, जो सोलार से बैटरी जब चार्ज होती रहेंगी तब आप आराम से चला पाएंगे, कुछ फर्क नहीं होगा। बट रात में आप नहीं चला सकते। अभी मैंने 5 मिनट आपको देखने के लिए चलाया पर लेकिन ज़्यादा टाइम पर नहीं, बैटरी लो हो जाएगी। इसलिए हम दिन में ही कपड़ा सारा वो वॉश कर देते हैं वॉशिंग मशीन में। आप जो देख रहे हैं ये येलो वायर, वो सर्विस वायर को काट कर एक वायर मैंने बनाया है, वो भी मैंने देसी जुगाड़ बनाया है। तो ये वायर जहाँ जहाँ जाती है वहाँ वहाँ सोलार का कनेक्शन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ भी ये वायर जो है येलो वायर यहाँ से मैंने डाली है, फिर ऊपर से आती है, और इसलिए यहाँ पर जो फैन है और ये जो ट्यूबलाइट है ये भी सोलार के ऊपर ही होती है। ये ट्यूबलाइट की मैं बात करूँ तो 24/7 घंटे सारा लोड चलाता हूँ, ट्यूबलाइट नहीं फैन और वॉशिंग मशीन के सिवा मैं सारा लोड चलाता हूँ अपने घरों में। तो फैन की अगर मैं बात करूँ तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत बिजली मैंने जो लोड है यूज़ कंज्यूम कर लिया है, तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि लोड ज़्यादा होने के कारण हमारी बैटरी लो हो जाती है। तो इसलिए मैंने जो टू वे स्विच का जो फंडा आपको समझा दिया वो ऐसे टू वे स्विच आप जब लगा दोगे तो आपको कुछ फ़र्क नहीं होगा। जैसे ही बैटरी लो होकर डिस्चार्ज हो जाएगी पूरी तब हम स्विच ऑन कर दोगे, तब सारा लोड आपका मीटर जो वहाँ पे दिख रहे हो उसके ऊपर रन होना और कनेक्ट होगा और चलने लगेगा। और दूसरी बात, आप जो इन्वर्टर है उसको बिजली से भी चार्ज कर सकते हो, बैटरी को इन्वर्टर से हमारे जो मेन सप्लाई से भी चार्ज कर सकते हो, जो मीटर आप देख रहे हैं वहाँ से भी चार्ज कर सकते हो। उसका मैं थोड़ा डिटेल से आपको समझा दूंगा दूसरी वीडियो में, अभी के लिए इतना ही कि ये एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस हमने तैयार किया हुआ है। अब मैं अंदर की जो बात करूँ अंदर रूम में, तो दोस्तों ये आप कूलर देख रहे हो, ये कूलर है, ये कूलर भी मैंने सोलार के ऊपर कनेक्ट किया है। और ये कूलर हमारा दोपहरों को 1-2 घंटे से लगातार चलता है, ज़्यादा नहीं चलता, 1-2 घंटे इनफ, फिर तो हमारे पास एसी है, वह इस एसी से हम काम चलाते। कूलर तो दोपहर को या कुछ मेहमान लोग के या कुछ आए तब हम ऑन करते, ज़्यादा ऑन करते नहीं है। बट जब मैं घर में होता हूँ तब पूरा दिन ये कूलर ऑन ही रहता है, क्योंकि मुझे एसी नहीं पसंद है, क्योंकि एसी में कुछ डिसएडवांटेज ज़्यादा है, इसलिए मैं कूलर से काम चला लेता हूँ। और कूलर जब मैं घर में होता हूँ, आमतौर पर मैं कॉलेज में होता हूँ, पर लेकिन जब मैं घर में होता हूँ तब मैं पूरा दिन और पूरी रात कूलर से ही काम, ये मेरा रूम है आप देख सकते हो, ये मेरा रूम है, इसलिए जब मैं घर में होता हूँ तब मैं पूरा दिन कूलर ऑन करता हूँ, चालू करता हूँ। और दोस्तों मैं जब बात करता हूँ इस होम थिएटर की, ये वाला तो ये भी मैंने ही बनाया है और ये भी सोलार के ऊपर ही चल रहा है। और इसकी बात करूँ तो ये जो एम्पलीफायर देख रहे हैं वो एम्पलीफायर सिर्फ जो उसकी बॉडी है वो हमने बाजार से ली है, बाकी अंदर की जो सर्किट है वो मैंने हाथ से बनाई है। और मैंने ही जो पेटियाँ है वो भी मैं तैयार लाया था, वो भी मैंने ही बनाई है। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये भी सोलार पे चल रहा है अभी। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये प्लग यहाँ से जुड़ा है और सोलार से कनेक्टेड है, ये भी चलता है। जब मैं घर में होता हूँ मैं और मेरी बहन दोनों ही यूज़ करते हैं, और कोई यूज़ करता नहीं है, मतलब कि पूरा दिन में हम ये जो होम थिएटर है और कूलर है जब हम घर में मैं होता हूँ तब ख़ास तौर से चालू ही होता है। और ज़्यादा तो मैं बात करूँ तो ये ट्यूबलाइट तो वो नहीं रहती, क्योंकि यहाँ पे लोग अक्सर रहते हैं और पढ़ाई लिखाई भी यही रूम में आप करते हैं, तो यही ये ऑन होता है। अब दोस्तों मैं जब बात करूँ तो जो मिक्सर वगैरह है हम जो यूज़ करते हैं वो जनरली इस प्लग में करते हैं, यहाँ और यहाँ से, तो ये भी सोलार के ऊपर ही है। मतलब कि हम जो आमतौर पर ब्लेंडर मिक्सर वगैरह जो भी यूज़ करते हैं जो रसोई बनाने में, तो इसमें यूज़ करते हैं, क्योंकि बिल नहीं आता है इस प्लग में, क्योंकि ये सोलार ऊपर है जनरली।
तो इसे यूज़ करते हैं। तो आगे की वीडियो आप देखते रहिए, मैं आपको और भी कुछ दिखाता हूँ सोलर के बारे में। दोस्तों मैंने बताया था कि ये जो सारा घर का लोड है, यानी कि ट्यूबलाइट और ये फैन और सारा कुछ सोलर पर चल रहा है। और दोस्तों आप मैंने जो कनेक्शन आपको दिखाए थे वो इंटरमीडिएट कनेक्टेड है, मतलब कि मीटर लाइट जब चली जाए तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे कनेक्ट है। ये हमारा मेन मीटर है जो बिजली का होता है, ये मीटर है और ये प्रोटेक्शन के लिए दो शिफ्ट दो फ्यूज रखा है। और मैं आपको बता, जब मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ तब हमारा जो लोड है, जो हमारा बिजली का लोड है वो डिसकनेक्ट हो जाता, पर लेकिन ये सोलर पर मैं जो स्विच बताई थी टू वे स्विच, जो उसको मैंने आप हमने सोलर पर कनेक्ट किया है, इसलिए हमें उस हम हमारा जो लोड है अभी सोलर का वो चल रहा है, ये सब लोड चल रहा है सोलर में। तो हम इसे ऑफ कर देंगे, ये स्विच को हम देखो ऑफ कर दिया, तब भी हमारी जो लाइट वगैरह है वो चालू है, आप देख सकते हो। पर लेकिन हमारा जो फ्रिज है वो ऑफ हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ लाइट नहीं हो रही। जैसे ही मैं मीटर की स्विच ऑफ ऑन करता हूँ तब इसमें लाइट आ जाएगी, यानी कि हमारा जो लोड है जीबी में जो कनेक्टेड लोड है वो चालू हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ कि जैसे ही हम इसे ऑन कर देते हैं ऐसे, अब देखो कि जो फ्रिज है वो चालू हो जाएगा। देखो अब इसमें लाइट जल रही है, आप येलो वाली आप देख सकते हो। तो कहने का मतलब यही है दोस्तों कि जो इंटरमीडिएट स्विच है वो बहुत काम की और अगत्य की चीज़ है, आप ज़रूर लगाएं, वो आपको बहुत काम आएगी। अगर दोस्तों मैं बात करूं कि अभी जो सोलर पर चल रहा है और शॉर्ट सर्किट हुई तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी, क्योंकि जो प्रोटेक्शन है वो काम करना शुरू हो जाएगा, इसलिए कुछ उसमें शॉर्ट सर्किट और वो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने वायरिंग की थी। अब मैंने आप देखो कि मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कैसे वायरिंग की, लेकिन इस वीडियो ओनली ऑन पर्पज़ यही था कि आम तौर पर लोग भी देख सकते। मैं आप जो इलेक्ट्रिक की बात करने लगूँ तो आम लोगों को नहीं पता चलेगा कि ये क्या है। ये ऐसा भी मैंने स्विच का किया तो भी आप लोगों को लगने लगेगा कि ओवरलोड बाउंसर आ गया, क्योंकि आम लोगों को ऐसा नहीं कुछ पता होता कि ये कैसे काम करता है। आम लोगों को ऐसा ही कुछ पता चलना होता है कि ये सोलर पर काम करता है और ये कम्प्लीटली वर्क कर रहा है, आप देख सकते हो। अब मैं जैसे ही ग्रिड पर कनेक्ट करूँगा तब आप देखोगे तो मीटर ये भी वो ऑफ करेंगे तो लाइट भी चली जाएगी, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों जो अब मैंने बोला था कि अब जो लोड है अब ग्रिड में कनेक्ट करके जो मेन सप्लाई से डिसकनेक्ट करोगे तब लाइट चली जाएगी पूरी तरह से। तो अब ऐसा ही कुछ प्रैक्टिकल करते हैं। तो सबसे पहले जो ये लोड है अभी चल रहा है सोलर पे, ऊपर ऑन है, इसलिए जैसे ही स्विच को इस तरह घुमाऊँगा तो ये सारा लोड ग्रिड पर आ जाएगा, आप देख सकते हो। तो आप ऑन करते, ऑन हो चुका है। तो अभी ये जो सारा लोड है वो ग्रिड पे आ चुका है। तो हम नीचे जाकर देखते हैं, देखो फ्रेंड अब जो लोड है पंखा और ये सब कुछ ये जो ग्रिड पे आ चुका है, मतलब कि ये जो वाला मीटर है उससे कनेक्ट हो चुका है। और अब जैसे ही आप ये स्विच बंद करेंगे तो लाइट चली जाएगी, देखना मैं उसको ऑफ करूँगा तो देख सकते हैं लाइट चली गई, क्योंकि सारा लोड कनेक्ट था ग्रिड के ऊपर। अब जैसे ही आप ग्रिड की ऑन करेंगे तब हमारी लाइट वापस आ जाएगी। देखो मैंने ऑन किया है तो लाइट आ गई। तो कहने का मकसद ऐसा है कि एडवांस टेक्नोलॉजी थी, मैंने आपको बोला इसे ऑटोमेटिक और मैन्युअली आप हम दोनों तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी मैंने बिल्ड की है, क्योंकि ये मैं इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तब मैंने ये सारा कुछ जो प्रोसेस था वो मैंने किया था, कंप्लीट किया था। तो आगे आप देखते रहिए, ऐसे वीडियो आते रहेंगे। बाय बाय।